समझना, हम जब तक अपने वीकनेस को स्ट्रेंथ में नहीं कन्वर्ट करते तब तक उस वीकनेस का बोझ हमारे सारे घर वालों को ढोना पड़ेगा, सारे घर वालों को ढोना पड़ेगा. Nobody is obligated to carry your rubbish and to carry that weight around you. Do you understand? Nobody is obligated. Just because आपका दिमाग weak है, just because आपके दिमाग ने कुछ 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 अनुभव किया होगा जिससे आपकी आंतरिक बैलेंस में प्रॉब्लम आई होगी, it doesn't matter. Whenever you get into an action, तो पहले ही फेलियर के लिए अपने दिमाग को प्रिपेयर करो कि ऐसा भी हो सकता है कि जो मैं चाह रहा हूँ वो नहीं हो सकता है कि नहीं, हाँ हो सकता है कि नहीं. फिर अगर वो ऐसा हो जाता है, कैसा हो जाता है, जैसे आपने चाहा वैसा नहीं, दूसरे ही तरीके से हो जाता है, एंड जस्ट बिकॉज यू वर नॉट प्रिपेयर्ड एंड यू आर शॉक्ड अबाउट इट, प्रकृति इज नॉट ऑब्लिगेटेड, योर फैमिली मेम्बर्स आर नॉट ऑब्लिगेटेड, द पीपल हुम यू आर वर्किंग फॉर एंड वर्किंग विद आर नॉट ऑब्लिगेटेड, दैट इज योर थिंग ना. तो ये बहुत ही बेसिक है पर बहुत जरूरी है. कितना देखो, ज्ञान तो मैंने आत्मा का बहुत सुना, बहुत 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 सुंदर है. इंटरनल इंट्रोस्पेक्शन के शब्द भी मैंने सुने और हम घुसते भी हैं, पर हमारा इंटरनल इंट्रोस्पेक्शन भी सिर्फ इट हैज टू बी एट अ वेरी क्वालिटेटिव लेवल. सो यू हैव टू हैव अ पैरेलल इंट्रोस्पेक्शन. समझ में आ रहा है? एक बात समझो, अगर आपके भीतर अंदर में खूब सारे कांटे हैं, काटे हैं, ठीक है, फिर उसके ऊपर आपने खूब सारे फूल डाले, खुशबूदार गुलाब डाले, बहुत अच्छी अच्छी चीजें डाली, एंड देन यू स्टिल आर ट्राइंग वेरी हार्ड टू बी हैप्पी. व्हाई? बिकॉज़ गॉड हैज गिवन यू एवरीथिंग. दीदी रियली, मेरे पास फूल भी है, मेरे पास मिठाइयाँ भी है, मेरे को इतनी अंदर से खुशबू भी आ रही है, पर मेरी आंखें जो देख पा रही हैं वो आप देख कर सह कर भी समझ नहीं पा रहे हो. Nobody is denying your smile. Nobody is denying that God is giving you everything. लेकिन अंदर की जो काटे हैं, वो you're making it even more difficult by putting a lot of other things on top of it. And just denying its existence doesn't work. तो हमको क्या करना है आप बोलो? वो अंदर के काटे, एक तो identify करना है जो आपको यहाँ पे साफ शीशे में दिखाई दे जाएगा. साफ शीशे में दिखाई दे जाएगा, यार मैं खड़ा कहाँ, प्रॉब्लम क्या है, है क्या ये पूरा फर्श बहुत अच्छा है पर फिर भी जब मैं चलता हूँ तो चुभता है, पर गार्डन इज फाइन, इट्स ऑल वेरी क्लीन, एवरीथिंग इज फाइन, चुभता क्यों है? अच्छा चलो, मैं बहुत कंफर्टेबल चप्पल पहनती हूँ, चप्पल भी कंफर्टेबल पहना, फर्श जो ऑलरेडी ठीक है उस पर भी मैं चला, पर फिर भी वो चुभन गई नहीं. सो व्हाट कुड बी द मैटर? हम मैटर के अंदर घुसते नहीं है, रूट कॉज में जाने की हिम्मत नहीं होती है हमारे पास, क्योंकि इतना आलस्य भी है और हम बोलते हैं टाइम भी नहीं है, और मन की वासना इतनी है कि वो दौड़ाती है हमारे मन को, हमारे शरीर को. सो वी कीप बेरिंग द पेन टिल इट बिकम जस्ट टू अनबेरेबल, और वो पेन का अनुभव हम अपने चित्त में इतने टाइम तक स्टोर करते रहते करते रहते करते रहते, ठीक है, कृपा हो जाती है, डॉक्टर सामने आ जाता है. यहाँ पे हम डॉक्टर बोल रहे हैं बिकॉज मैं कांटे की बात कर रही हूँ, फिजिकल बात कर रही हूँ, नहीं तो स्पिरिचुअल डॉक्टर इज आवर गुरु, राइट? तो वो बोलता है एक सेकंड आपको चुभन कहाँ हो रही है, नहीं डॉक्टर आप समझ नहीं रहे हो, जहाँ जहाँ मैं चलती हूँ ना, मैं देख के चलती हूँ, वहाँ एकदम साफ ही है. मैडम आपको चुभन कहाँ हो रही है, नहीं डॉक्टर आप समझ नहीं रहे, मेरी चप्पल भी आप देख लो एकदम बढ़िया है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपना डायग्नोस पे ध्यान दो. हाँ मैडम मैं वही पूछ रहा हूँ, आप खाली ये स्ट्रेट बता दो चुभन कहाँ हो रही है. डॉक्टर वही तो मैं बोल रही हूँ, तब से पैर में तो हो रही है ना, ऑफ कोर्स. अच्छा सौ बात की एक बात, अब पैर दिखाओ. बड़ी मुश्किल से हमने क्या करा, पहले तो जहां जहां मैं वॉक करी उसका पूरा रोड मैप उसको दिखाया, फिर मैंने अपने चप्पल के भी दर्शन उसके करा लिए, फिर मैंने अपने शब्दों से भी उसको बहुत बोर किया, है ना, फाइनली मैं उसको अपना पैर दिखाती हूँ, और फिर वो बोलता है मैडम कुछ नहीं है, आपके पैर में ना कांटा चुभा हुआ है, काटा चुभा हुआ है, आपने उसको निकाला है, आप खाली वो काटा निकाल दो, एंड आई डोंट वांट टू नो एनी ऑफ योर अदर स्टोरीज, ऐसे कैसे, एंड देन वी टेक इट वेरी पर्सनली, तो यू आर प्रूविंग मी रॉन्ग, यू आर टेलिंग मी दैट आई एम रॉन्ग, तो मैं मूर्ख हूँ क्या, मतलब मेरे पैर में काटा चुभा है? हाँ आप ही के पैर में काटा चुभा है. अच्छा फिर हम देखते हैं, और जब कोई और हालत बचती नहीं है, सारा हमने कर दिया, सब कुछ कर दिया, ठीक है, थक हार के
हम अपना शीश झुकाते हैं, अपने पैर पे नजर रखते हैं और एक्चुअली वी टेक द ट्रबल टू सी एंड फील एंड वी से ऊप्स ऊप्स, ये तो डॉक्टर राइट निकला, इसकी डायग्नोसिस तो बाबरे बाबे तो राइट ही निकली, अब क्या करें। हार झक मार के दर्द से परेशान होकर हम कहाँ पहुँचते हैं, उसी डॉक्टर के पास जिसने सच बोला, जिसने सच बोला, और फिर उसी के आगे सरेंडर करके पैर देते हैं तो इलाज होता है कि नहीं, वो काटा निकालता है। दिस इज वॉट अ स्पिरिचुअल गुरु डस टू यू, द स्पिरिचुअल डॉक्टर डस टू यू, ही टेल्स यू कि आपकी सराउंडिंग्स परफेक्ट है, आपका प्रारब्ध परफेक्ट है, आपका कर्म में कोई कहीं पे भी दोष नहीं है, खाली अपने दिल के अंदर झांक के देखो, आय रूपी काटा पड़ा हुआ है, मैं रूपी काटा पड़ा हुआ है, अहंकार है। सो नाउ व्हेन आई यूज दीज वर्ड्स अहंकार, आया बोलेंगे बहुत बार सुना है, पर संत जिस चीज को मैं पकड़ के रखता हूँ उस पकड़ को मैं जाने नहीं देता हूँ, वो बहुत बड़ा काटा है। समझो आप, दर्द जिस सिचुएशन से हुआ वो सिचुएशन निकल गई, दर्द को पकड़ के रखने का मतलब दर्द भी अब नहीं हो रहा है, वो भी निकल गया, पर उसकी याद मेरे चित्त में है। उसको अपना कैरेक्टर बना के चलने का मतलब, उसको अपना कैरेक्टर बनाकर चलने का मतलब, तो मैंने क्या किया, क्या किया, वो काटा तो चुभन है ना मेरे अंदर में। सो आई हैव टू लर्न द आर्ट ऑफ आइडेंटिफाइंग दिस एंड हाउ टू डील विद दिस एंड देन टू गेट आउट ऑफ इट। एक्चुअली हमको डील भी कुछ नहीं करना है, डील भी कुछ नहीं करना है, क्योंकि यहाँ फिजिकल पैर में तो एक्चुअली फिजिकल काटा था, लेकिन इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड हमारे मन के अंदर में ना ही वो सिचुएशन है, ना ही वो दर्द है, कुछ भी है ही नहीं, तो फिर किसको पकड़ के बैठे हैं ना, किसको पकड़ के बैठे। तो अपने से जितना सच्चा होंगे उतना हमारा रास्ता आसान होगा, है ना। हाँ बोलो, आप लोग थोड़ा बात करो तो आप जहाँ पे खड़े हो मेरे को समझ में आएगा और फिर वाणी निकलेगी उस हिसाब से। अपने से सच्चा होना और थोड़ा, अपने से सच्चा मतलब प्रिटेंड नहीं करो सर, अगर मन के अंदर में काटा है तो है, टाइम नहीं वेस्ट करो, डॉक्टर का भी टाइम वेस्ट करते हैं, अपना भी वेस्ट करते, है ना, एक्सेप्ट करो, बोलो है ये बात। और जितना हम अवेलेबल होंगे ना अपनी चेंज के लिए, जस्ट से आई एम अवेलेबल, प्लीज डू व्हाट यू नीड टू डू, आई एम अवेलेबल फॉर दिस चेंज, आई एम डन नाउ। रोना धोना अपने को पता नहीं क्या क्या, कुछ नहीं बनता है इन चीजों से, किसी का भला नहीं हुआ है। ब्रूडिंग कंप्लेनिंग नेवर वर्क्स, नेवर वर्क्स। हाँ आप अपनी व्यू पॉइंट बोल सकते हो किसी को भी, आप कम्युनिकेट कर सकते हो किसी को भी, और अगर आपके मन में किसी भी प्रकार की पीड़ा हो रही है तो उस पीड़ा से भागना नहीं है, वो पीड़ा के बारे में मैं बोलूं नहीं, उससे पीड़ा नहीं जाती है, लेकिन लेकिन जिस confront your own self first before confronting anybody else, pehle apne ko dekho ki agar hai koi peeda, it might seem difficult, it might seem like a long process, but we have to work with it, we have to work with ourselves, ye scientific hai, ye zaruri hai, kisi bhi prakar ki progress shuruaat se shuru hoti hai। आप कहीं भी देखो, किसी भी इंडस्ट्री में देखो, यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, भले आप एग्रीकल्चर में जाओ, आप मैन्युफैक्चरिंग में जाओ, किधर भी जाओ, यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। सडनली कुछ भी आपके सामने ऐसे मलाई जैसे आता नहीं है सिवाय गुरु के प्रेम के, पर जब तक आपने अपने दिमाग के साथ नहीं अलाउ किया तो वो प्रेम में भी टाइम लग जाता है, टाइम लगता है, बिकॉज वी हैव आवर ओन डूज एंड डोंट्स, टर्म्स एंड कंडीशंस, वो ब्लॉकेजेस रहती है। जितना मन प्रेम में आएगा, श्रद्धा में आएगा, फटाक से गुरु का काम मैजिक की तरह ऐसे आपके पूरे शरीर को मन को भर देगा, आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा, मालूम भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि मालूम होने वाला बंदा भी नहीं बचेगा, मालूम ही नहीं पड़ेगा। इजी 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 में लाइफ चलती जाएगी, इजी में। और खाकरी कौन सी होगी, कौन सी होगी, जीरो वेस्टेज, नहीं तो वो वेस्ट मैनेजमेंट में भी फंसना पड़ेगा। व्हाट इज जीरो वेस्टेज, समय का जीरो वेस्टेज, जन्म का जीरो वेस्टेज। दर्द ऐसे थोड़ी ना शरीर में होता है,
तभी तभी आप बोलो, देखो साइंस में भी बोलते हैं इफ देयर इज अ पेन इट्स गुड बिकॉज योर बॉडी कम्युनिकेट्स टू यू थ्रू पेन. दर्द द्वारा शरीर आपको बोलता है कि प्लीज गिव मी सम अटेंशन, दिस पार्ट ऑफ माई बॉडी नीड्स अटेंशन. नहीं तो आपको मालूम कैसे पड़ेगा, क्योंकि वो तो प्यारा साइलेंटली अपनी सेवा में है. कहीं कुछ गड़बड़ी है तो वो आप तक लेके आना भी तो उसकी सेवा है ना. वो आपको बताएगा शोर कैसे मचाता है, दर्द द्वारा. तो अगर काटा है तो कैसे मालूम पड़ेगा कि काटा है, इट्स अ फॉरेन पार्टिकल इन योर बॉडी नो, तो वो दर्द देगा आपको. दैट्स हाउ यू नो दैट यू हैव टू वर्क एट इट, एड्रेस इट, टेक इट आउट. तो यहाँ पे काटा क्या होता है, मोस्टली 99.9% हमारी आकांक्षाएं बहुत बड़ी काटा है. अब आकांक्षाएं से मन को मुक्त करने के लिए आपको मन को भिन्न भिन्न प्रकार के अनुभव देने पड़ते हैं. कौन से भिन्न भिन्न प्रकार के अनुभव, कौन से भिन्न भिन्न प्रकार के, अपने ही होने का एक अनुभव, इन द सेंस जो है जो ऊर्जा है उसका अनुभव, ऐसी संगत में बैठ जाना, कभी अपने को ब्रेक देना फ्रॉम द यूजुअल मैकेनिकल वर्ल्ड, यहाँ पे यू कैन टेक सम टाइम ऑफ टू ब्रीथ, टू हियर, टू लिसन, टू बी इन दिस ऑरा, बी इन दिस एनर्जी फील्ड. कोई आपसे आपका नाम भी नहीं पूछता है, बस प्यार करते हैं, सब आपको योगी के नज़र से देखते हैं, साधु संत के नज़र से देखते हैं. जो चैरिटी है इट बिगिंस फ्रॉम होम, बिगिंस एट होम. तो आप प्यार प्रेम करना कहाँ से सीखते हो, यहाँ से सीखते हो ना. समटाइम्स वी आर शेयरिंग, वी आर सिटिंग एंड ईटिंग फूड विद पीपल वी डोंट इवन नो इन द नॉर्मल वे, जो दिमाग को समझ में आता है. वी शेयर रूम्स विद योगीज, पीपल हुम वी हैव नॉट मेट बिफोर, वी डोंट नो. पर उसमें हमको प्रेम सीखना क्या होता है, हमारा दिल बड़ा होता है, विशालता में हम आते हैं, हम अपने मुख से भी अच्छी बात बोलते हैं. आपका सतोगुण अगर ऊपर तैरा हुआ ऑलरेडी है, मैं आपसे दो मीठी बातें करता हूँ तो मेरे अंदर का सतोगुण भी बाहर तैरते हुए आता है. यहाँ पे हमको कर्ता बन के कुछ करना है नहीं, खाली अपने ही तत्व को पकड़ने में, उसमें रहने में ही हमको अपने मन को लगाना है. और जब हम उसमें बिजी होते हैं तो आ वाइब्रेशनल एनर्जी डज द मैजिक ऑन इट्स ओन. यहाँ पे ना कुछ करता है, ना कोई करता है, ना कोई देता है, ना कोई लेता है, इतना आराम. किसी को आपके कोई भी सिचुएशन से मतलब नहीं है, है कि नहीं, आर यू नॉट फीलिंग दैट आराम हियर, किसी को नहीं है. और एक विश्वास है ना हमारे अंदर में, विश्वास और स्ट्रांग होता जाता है. कोई बात नहीं, मेरे को मालूम है मैं एक अच्छे कार्य में मैं बिजी हूँ, तो मेरा हर चीज़ जो है ना वो देख लेगा, टाइम पर देख लेगा, हम देख लेंगे, वी गो एंड फेस इट लेटर, वी सी इट लेटर और वॉट एवर इट इज, है ना. व्हाई अवेकनिंग इज सो मच रिक्वायर्ड, बिकॉज अंदर में ये सत्य है. क्या सत्य है, ये जीवन, ये दुखी होना, सुखी होना, मान अपमान, ये शब्द द्वारा जीवन, जीवन जो हम जीते हैं इंद्रियों द्वारा, ये जीवन जीना, मृत्यु, अनुभव, नॉट अनुभव, ऑल ऑफ दिस सीम्स वेरी रियल टू मी एंड दैट्स वेरी पेनफुल, वेरी पेन है कि नहीं. लगाव होता है तो बिछड़ने का दुख होता है, होएगा नहीं होएगा, बिछड़ने का दुख होता है. अभी दुख क्यों हो रहा है और लगाव भी क्यों हो रहा है, इफ यू आस्क मी कि बिछड़ने का दुख होता है, मैं बोलती हूँ लगाव भी उतना ही विकार से भरा है जितना ये बिछड़ने का दुख. क्यों भाई, अच्छा बहुत सिंपल लॉजिक है. अगर मैंने आप में अपना स्वरूप ही देखा तो क्या कभी भी मुझे बिछड़ने का गम हो सकता है, हो सकता है, क्योंकि चलते फिरते आप और मैं एक ही हैं. इसका मेरे अंदर में बिल्कुल भी 0.001% भी डाउट नहीं, बिल्कुल भी. सारी कायनात मुझ परमात्मा से ही भरी पड़ी है, मेरे सिवाय यहाँ कुछ बना ही नहीं है. मच्छर भी मैं बना, वो ऑटो ड्राइवर भी मैं बना, कर्म प्राणी भी मैं बना, योगी भी मैं ही बना, वो चिड़िया, आसमान, आकाश, जड़ प्रकृति, चेतन, चैतन्य, सब मैं ही तो हूँ. ये मेरे अंदर की समझ है. अगेन इसका मतलब ये नहीं है कि रोजाना जीवन में मैं उसको गलत तरीके से समझकर अप्लाई करके मैं कुछ एस्केप करूँ, इट डजंट वर्क लाइक दैट. समझ में आया, मैं सेवाधारी के साथ, वॉचमैन के साथ घर पे डिनर टेबल पर बैठकर खाना खाऊंगी क्या,
इट डजंट मीन दैट नो व्यवहार में, जैसे आपने बोला व्यवहार की समझ हमको रखनी है, पर मन का भाव बनता है सच्ची प्योर समझ से, और वो प्योर समझ का ठप्पा लगता है आपके आंतरिक अनुभव से। जब तक अनुभव नहीं होगा तब तक वो सीख पक्की नहीं होगी। Everybody needs to experience that little bit of shift inside, that little bit of tingling arm, that little bit of nice, a good feel factor. वो feeling जब तक तुमको नहीं आएगी तुम्हारे अंदर का ठप्पा नहीं लगेगा ना, और कैसे ठप्पा लगता है ना। और एक दूसरी बात, जे मेरे मुख से शब्द निकले, अगर निकलता है तो कौन सा शब्द निकले, आई माइट बी फीलिंग रियली बैड एंड लो अबाउट माई सेल्फ, इट्स ओके, वी ऑल कैन फील दैट वे वंस इन अ वाइल। लेकिन मुख से क्या निकले, अगर कोई आपसे पूछता है आप कैसे हो, आराम में, आनंद में, मैं एकदम ठीक। उल्टा जब आपका मन बहुत डाउन हो रहा है, फिक्र में है, किसी भी योगी को या कोई भी जो जरूरतमंद है उससे बात करके, उसको और मीठा शब्द देके उसकी कॉन्फिडेंस को आप बढ़ाओ। जब आप किसी और के कॉन्फिडेंस को बढ़ाते हो, निराकार आपके कॉन्फिडेंस को डाउन होने नहीं देगा, नहीं देगा। जितना आपने सत का रास्ता किसी को दिखाया या बताया या पकड़ाया, उतना ही आपका सत बढ़ता जाएगा। ये बात है। What is light and what is darkness? Always using your internal energy to identify and connect to your external lows, to your external lows is actually the darkness. समझ में आया? जितना आपका मन आइडेंटिफाई करता है, जो भी आपकी एक्सटर्नल जीवन में जो भी आपको समझ में आता है कि परफेक्ट नहीं है, उस पर ही ध्यान देना, उसकी ही बात करते जाना, उसी से अपने को कनेक्ट करते जाना, आफ्टर अ पॉइंट गेट्स वेरी स्ट्रेसफुल, इट्स ड्रेनिंग, इट्स एक्चुअली वेरी ड्रेनिंग। सो द एक्साइटिंग पार्ट इज टू आइडेंटिफाई योर स्ट्रेंथ, टू आइडेंटिफाई व्हाट इज इट दैट यू हैव दैट यू कैन कंट्रोल ऑन, दैट यू हैव फुल कंट्रोल ऑन। आपको आपकी आत्मा आपके लाइट पर आपको कोई ज़बरदस्ती करनी नहीं पड़ेगी, किसी और पे डिपेंड होना नहीं पड़ेगा, वो फुल स्पॉन्ज आपके अंदर है ही है। सारी दुनिया की वेल्थ आप ही हो, आपके अंदर ही है। जब आपके अंदर में वो बात आ जाती है, समझ में आ जाती है, 24 घंटे में एक मिनट भी आपने अगर उसका अनुभव कर लिया, दैट्स मोटिवेटिंग इनफ। You can do whatever you do and whatever you're doing and come back and touch base to that for even a few seconds and you'll be energized, completely energized. बार बार जो चीज़ आपको तंग करती है बाहर, जो तंग करती है, for example, our children might not be in a great space. हो सकता है ना, हो सकता है ना बेटी शादी करके बहुत खुश ना हो सकता है बेटे ने नया बिजनेस स्टार्ट किया, इट्स नॉट टेकन ऑफ रियली ग्रेट, हो सकता है ना कि कभी किसी घर वाले को पीड़ा होती है, तो उससे मन को भी पीड़ा होती है ना। पर उसी के बारे में बार बार सोचना, मतलब आप उसी को ज़्यादा एनर्जाइज कर रहे हो, आप प्यार नहीं दिखा रहे हो, आप श्राप दे रहे हो। समझ में आ रहा है? आप उसी चीज को एनर्जाइज कर रहे हो। नहीं समझ में आ रहा? समझ में आ रहा है? मेरा हाथ टूटा है, हड्डी टूटी है, आप लकड़ी से वही मार रहे हो और बोलते हो आई लव यू बेटा, आई लव यू बेटा, बट यू कीप ऑन हिटिंग मी ऑन माय हैंड, ऑन माय बोन, दैट इज रियली हर्टिंग। जस्ट डोंट डू दैट, नो, है ना। आप बोलेंगे भाई तू आई लव यू मत बोल मेरी माँ, पर तू मार तो भी सो नहीं, मार नहीं ना, दैट वुड बी गुड इनफ फॉर मी, इट्स अ बिग रिलीफ। यही है, हम ऊर्जा अपनी आप समझना, थोड़ी वैल्यू करो अपने आप की। जिस ओर आप अपनी डायरेक्शन ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा दोगे, वो चीज़ बढ़ेगी बाबा, बढ़ेगी, घटेगी नहीं। अगर कोई चीज़ नहीं है ठीक, अब बोलो भगवान कोई बात नहीं, तेरा प्रसाद है, स्वीकार है, फटाक से यू गॉट हिज अटेंशन, फटाक से। और उससे ज़्यादा ताकतवर आई डोंट थिंक आप या मैं हैं, राइट? और जहाँ आपका मन में विश्वास है, मैं बोलती हूँ ब्रह्म का अनुभव, ब्रह्म का साक्षात्कार, अपनी आत्मा का साक्षात्कार होते होते होता है, वो मन की सफाई पर डिपेंडेंट है। सो लेट्स जस्ट डू एंड गेट रेडी फॉर दैट, नो, मन की सफाई करना जरूरी है ना।
बार बार सच को रिपीट करो, भले उसका नहीं हुआ आपके अंदर में अनुभव, इट डजंट मैटर, मुख तो पवित्र होगा, आपका गया क्या है ना। आपका हक नहीं बनता किसी भी चीज को टेकिंग फॉर ग्रांटेड करने का, ना समय को टेकिंग फॉर ग्रांटेड करो, ना चीजों को, ना बंदों को, और ना ही अपने मनुष्य जन्म को। वैल्यू इट सेकंड बाय सेकंड, राइट, इंच बाय इंच वैल्यू करो। और जो आपको अभी मिला है वो अभी के लिए है, क्योंकि अभी जरूरत है, एंड देयरफॉर मिला है। ही डज नॉट मेक मिस्टेक्स, डजंट मीन इट्स गोइंग टू बी द सेम नेक्स्ट मिनट, बिकॉज देयर इज समथिंग एल्स वेटिंग टू रीच यू दैट नेक्स्ट मिनट। समझ रहे हो, पाइपलाइन टिल द एंड ऑफ योर ब्रेथ फुल है, परफेक्ट। आप यहाँ पे आए दो दिन के लिए, तो आपने अपने सूटकेस में क्या रखा, कितने दिन के लिए, कितने रखे कपड़े जो दो दिन के लिए जरूरी होंगे, जो भी शरीर निर्वाह की जरूरत है, जो आपका दिमाग समझता है, आपने वो सारी चीजें पैक करके लेके आए ना, तो आपको क्या लगता है कि वो परमात्मा माता प्रकृति का दिमाग आपसे ज्यादा है कि कम है? ज्यादा है, श्योर। उसने भी आपके लिए आपके फर्स्ट ब्रेथ से लास्ट ब्रेथ तक बहुत अच्छे से पैकिंग करके रखी है, ओके? जैसे जैसे आप जो जो जरूरी है यूज करते जाओगे, नेक्स्ट अवेलेबल इन द पाइपलाइन। आपने जो आज सबेरे पहना, आपने अपने सूटकेस में अलग बैग में रख दिया, यूज्ड, कैन नॉट बी रिपीटेड, नया आओ भाई। सिमिलरली आज का इस मिनट का अनुभव कर लिया, संग कर लिया, आनंद चख लिया, कंफ्यूजन का दर्द मालूम पड़ गया, प्रेम प्यार समझ में आ गया, नेक्स्ट मिनट आई वांटेड अगेन, व्हाट आर यू डूइंग, यू वांट टू वेयर द सेम स्टिंकी ड्रेस अगेन, डजंट वर्क, नो, देयर इज अनदर वन मीटिंग। तो हम क्या करते हैं, हम दो चीजें अपने लिए ही गलत करते हैं। क्या करा हमने, जो नया अनुभव, जो नया जीवन, जो नया मेरे लिए वेटिंग में था, जरूरी है मेरी ग्रोथ के लिए, मेरे पोटेंशियल को फुल तरीके से यूज करने के लिए, वो मैंने ब्लॉक कर दिया। और मैंने क्या किया, ऐसी मांग करी विच इज गोइंग अगेंस्ट द डिवाइन एजेंडा, इट्स गोइंग अगेंस्ट द डिवाइन एजेंडा, एंड आई वॉन्ट द सेम थिंग अगेन, आई वॉन्ट द सेम कॉफी इन द सेम कॉफी शॉप, सेम टेस्ट। अभी कुक बदल गया वहां पे, अभी कुक बदल गया, नमक में थोड़ा डिफरेंस आ गया, माई परेशान होगी नहीं होगी, वही टेस्ट के लिए मैं तरस रहा था, ठीक है, बीच में क्या हो गया, प्राण छूट गया, क्या हुआ, फिर वापस आना पड़ेगा वही टेस्ट को चखने के लिए, वॉज इट वर्थ इट? क्या रखते हैं दिमाग के अंदर, जो दिमाग खालीपन का पोटेंशियल रखता है, उस ईश्वरत्व में गुम होने की पोटेंशियल रखता है, अपने हर चैलेंजेस को राइट ढंग से फेस करके उसे कई सीख कर आगे बढ़ने की पोटेंशियल रखता है, हम ही अपने लिए कितनी ब्लॉकेजेस क्रिएट कर लेते हैं। अगेन व्हाई डोंट वी जस्ट अलाउ, व्हाई जस्ट वी डोंट डू दैट अगेन, अटक, और जो अटकता है वो लटकता है, और जो लटकता है उसका क्या हर्ष होगा भाई, इमेजिन जो लटकता है, बाप रे बाप क्या होगा, है ना। तो लटकाना नहीं है, अहंकार ओवरथिंकिंग में नेचुरली इंडल्ज हो जाता है, अहंकार ओवरथिंकिंग, ओ हाउ सैड, ओ अब क्या करें, ओ अब ऐसा कैसा होगा, अभी जो हो रहा है पहले वहां तो सलामी दो ना, कैसा होगा, तुम हो करने वाले, तुमको मालूम है, अरे जो होनी है वो होगा, तुम्हारा क्या प्रॉब्लम है वो होनी से, यू अंडरस्टैंड, जो तुमने पहले ही बीज बोया पहले भैया, वो फल का तो तुम, जो बीज दरखत हुए पड़े हैं, पहले तुम वो तो झेलो, पहले वो तो एड्रेस करो, नई बीज उठते बैठते खाते क्या करा, कितने बीज हमसे गिरते चले जाते हैं, आई डोंट नो व्हेन आर वी गोइंग टू डील विद दैट, हाउ इज दैट गोइंग टू वर्क फॉर अस। ऐसे ही हो रहा है ना,
होने दो ना, क्यों संकल्प विकल्प कर रहे हो, पाइपलाइन में बह रहा है ना, जस्ट चिल वॉच अलाउ एंड इट्स ऑल परफेक्ट इन इट्स टाइम इन इट्स स्पेस विद नो कंफ्यूजन व्हाटसोएवर. हर चीज हर जगह अपने समय अनुसार बढ़िया ढंग से होती है क्योंकि हुक्म ही ऐसा हुआ है. और इस बात को ब्रॉडली एक्सेप्ट करके समझकर लॉजिकली देखना ही गॉडलीनेस है. और कौन सी भक्ति करोगे आप, और कौन सी भक्ति. श्रद्धा मतलब क्या, श्रद्धा मतलब क्रिएटिंग स्पेस फॉर द रियलिटी टू डॉन इनटू यू. क्या बोला मैंने, व्हाट इज श्रद्धा, क्रिएटिंग डॉन इनटू यू. एंड व्हाई इज दैट डिफिकल्ट अगेन, बिकॉज इज ऑलरेडी सो मच ऑफ क्राउड है या नहीं. जब कभी भी कोई गुरु का वचन ऐसा सॉलिड लगता है ना, एकदम यहाँ और यहाँ कम जाता है. पता नहीं आपके साथ ऐसा हुआ है कि नहीं, पर इन माई जर्नी विद माई गुरु लख बार हुआ है, लख बार. वही का वही शरीर बैठा रहता था, हिल नहीं पाता था, लगता था ये क्या बोल दिया, ये क्या कर दिया गुरु ने. ऐसा अंदर का लोड जस्ट टेकन ऑफ, माउंटेन्स टेकन ऑफ, कि है क्या, वो कह रहा है. अरे उस मालिक के आगे ये छोटा सा दिमाग लेकर क्या तो इतराना, क्या तो उसकी पी 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 करना. क्या हो गया, कौन सी नई बात हो गई हमारे साथ, कौन सी बात हो गई. नथिंग न्यू अंडर द सन. क्या हो गया जो हम इतना बड़ा कर देते हैं अपने अंदर कि हम अपने हीरे को, अपने हीरे मोती को नहीं पहचान पाते. क्या हो गया. जिस श्रद्धा और विश्वास में इतनी ताकत है संत, इतनी ताकत है कि ना ही वो आपके स्थूल शरीर को बचाएगा, आपके मन को भी बचाएगा, आपकी मान रखेगा, आपकी इज्जत रखेगा, वो आपकी नैया को डूबने नहीं देगा. खाली श्रद्धा एंड विश्वास, दैट्स इट, एंड इट डजंट कॉस्ट यू एनीथिंग, बिल्कुल भी नहीं. और ऐसे 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 हम चमत्कार देखते हैं, ऐसे देखते हैं, एंड आई एम श्योर वी ऑल आर सीइंग इट इन आवर ओन वेज. जैसे जैसे मेरी स्टेट ऑफ माइंड है और जो जो उस माइंड की जरूरत है, जिस जिस प्रकार की खाने की जरूरत है, उसको साक्षात्कार तक लाने के लिए वो निराकार उस रूप को धारण करके आप तक पहुंचाएगा, अनुभव कराएगा. सेकंड स्टैंडर्ड बच्चे का अनुभव अलग होता है, एमबीए क्लास वाले का अलग होता है ना बाबा. तो उसमें कौन सी बात हो गई, है ना. तो मेरा दिमाग जैसा है, जैसे उसको बात समझ में आएगी, वैसा वैसा खेल मेरे साथ होगा. होने दे, क्या हो जाएगा, है ना. इजी है कि मुश्किल है, आप बोलो. ज्ञान यहाँ पे किसी को मुश्किल लगता है, नहीं ना. किसी को लगता है कि वही बात हमेशा रिपीट होती है. क्या आपको हर बात, हर वाणी, हर लाइन, भले कल भी बोली गई हो, आज एक नया ही मीनिंग नहीं समझ में आता है. ऐसा क्यों है, क्योंकि दिमाग जितना साफ होता जाएगा उतना वो कैच कर सकेगा. इट वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड बिटवीन द लाइंस, बिटवीन द वर्ड्स, फार मच मोर देन यू कैन इवन इमेजिन, बेस्ड ऑन योर सेंसिटिविटी, बेस्ड ऑन योर सूक्ष्मता एंड सटिलिटी. जितना आपका दिमाग स्थूलता से सूक्ष्मता तक पहुंचा होगा, उतना वो सूक्ष्म विषय को कैच कर पाएगा. स्थूल दिमाग क्या समझता है, चमत्कार को समझता है. बोलता है चमत्कार कर दो दीदी, चमत्कार कर दो. यू आर आस्किंग फॉर समथिंग विच इज जस्ट ऑपोजिट द डिवाइन एजेंडा, है ना. जे बंदा सच्चाई का रास्ते में नहीं है ना, तो वो इस चीजों का वो शरण ले भी सकता है. चमत्कार क्या है, स्थूल प्रकृति, जड़ प्रकृति के साथ खिलवाड़. और किस कारण कि आपका आपका झूठ टिका रहे, आपका अहंकार टिका रहे, ये तो ठीक नहीं है. सबसे बड़ा चमत्कार क्या है कि मैं सगरी बदल गई. सबसे बड़ा चमत्कार क्या है कि मैं सगरी बदल गई. वो वाली मैं बची ही नहीं, अब मेरे दिल में सहानुभूति है, कंपैशन है, किसी के दर्द को समझने की अंदर में एक कैपेसिटी डेवलप हो चुकी है, लॉजिक से मेरा दिमाग मेरे वश में आ चुका है.
राइट रॉन्ग की परिभाषा बहुत सूक्ष्मता से समझ में आ गई है. एंड व्हाट इज जगत एंड व्हाट इट इज इन माय हेड, आई हैव जस्ट गॉट इट, आई हैव जस्ट अंडरस्टूड इट. तो इसमें मजा है ना कि नहीं है? हाँ,